ओके स्पेस, आज हम लोग बात करते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही आगे के डेरिवेशंस को लेके। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने तीन डेरिवेशन किए थे जो कि हमारे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड थे। पहला था रॉड से रिलेटेड, दूसरा हमने रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था और तीसरा जो था वो डिस्क के लिए कैलकुलेट किया था। उसी सीरीज में आज हम बात करते हैं एक रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। हमने सपोज किया कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसकी लेंथ जो है वो एल है और इसके विड्थ हमने कैपिटल बी से डिनोट किया। आप कोई और भी नोटेशन ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये नोटेशन ले। और साथ ही साथ इसकी जो थिकनेस है उसको हमने यहाँ पे शो किया टी, जो कि हमारी थर्ड डायमेंशन में है। तो यहाँ पे क्या है, हमने बोला, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप उसे पढ़ सकते हैं। इस जो हमारी ये प्लेट है, उस प्लेट का मटेरियल जो भी, उसकी डेंसिटी को सपोज करो हमने बोला कि वो रो है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे प्लेट के लिए इसका जो मास होगा टोटल वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने बोला कि इसका टोटल मास कैपिटल एम है और कैसे निकालेंगे, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला दैट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं हम इसका, दैट दिस इज द सरफेस एरिया, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। पहला फ्रंट फेस का क्या हो जाएगा, बी इंटू एल, और थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये एरिया हुआ, थिकनेस से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम, तो ये हमें क्या मिल गया, टोटल मास विच इज रो एल बी टी। इसी तरीके से हमने क्या किया, जो इसका सेंट्रॉइड है, आपको मालूम है कि इसका सेंट्रॉइड जो हमारा पास कर रहा होगा वो जो हमारी फ्रंट फेस है उसकी डायमेंशन अगर हम देखें, लोअर डायमेंशन का हाफ पार्ट और ये अपर डायमेंशन का भी हाफ पार्ट से, और इसकी थिकनेस के मिडल पॉइंट से जो पास करने वाली एक्सेस होगी वहां पे हमारा सेंट्रॉइड होगा। हमने बोला यहाँ से पास करने वाली जो वर्टिकल एक्सेस को हमने वाई वाई एक्सेस बोल दिया और हॉरिजॉन्टल एक्सेस को एक्सेस बोल दिया, तो ये दोनों हमारी क्या होगी इस टाइम पे, सेंट्रॉइडल एक्सेस। हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं पहले आई एक्सेस, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अबाउट, और फिर हम वर्टिकल एक्सेस के अबाउट बात करेंगे। तो हमने क्या किया, इस हॉरिजॉन्टल एक्सेस से वाई के डिस्टेंस पे गए, अलोंग द वाई डायरेक्शन है ये, वाई एक्सेस के अलाउंग हम मूव कर रहे हैं इसलिए हमने इसको वाई से डिनोट कर दिया। तो वाई के डायरेक्शन में गए, वहां से एक डीवाई विड्थ का हमने एक एलिमेंट कट किया, और आप जब आप उस एलिमेंट को कट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक रेक्टेंगल के फॉर्म में वो दिखाई देगा। अब इस पर्टिकुलर जो एलिमेंट है इसका अगर हम मास लिखना चाहें, तो जो हमने इसका मास मिलेगा कितना हो गया, लेट सपोज हमने बोला उसे डीएम, तो डीएम की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, रो टाइम्स ऑफ डीवी, इस छोटे वाले पार्ट का जो वॉल्यूम है उसको हमने डीवी से डिनोट कर दिया। डीवी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इस स्ट्रिप के लिए आप ध्यान से देखिए, इसकी लेंथ एल है, थिकनेस कितनी है, सॉरी विड्थ कितनी है डीवाई, और इसकी थिकनेस कितनी है टी। तो हम एरिया निकालेंगे पहले एल इंटू डीवाई, और इंटू टी से मल्टीप्लाई करने पे हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका टोटल सॉरी डीएम एलिमेंट का जो मास हो गया वो डीएम हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस डीएम के मास की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है वाई, तो हमने उसको क्या लिखा, जो हमारा फॉर्मूला है दैट वाई स्क्वायर डीएम। और ऐसी ही सारी स्टेप्स को अगर हम ध्यान से देखें, नेगेटिव डायरेक्शन जो हमारी माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू तक कंबाइन कर दें, तो हमने यहाँ पे लिमिट्स यूज कर रखी है माइनस बी बाई टू से बी बाई टू, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमें फाइनल जो वैल्यू वो मिल जाए। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे डीएम की वैल्यू पुट करिए और जो हमारे कॉन्स्टेंट वैल्यूज उसको हमने बाहर लिया, और अंदर की तरफ क्या बचेगा इंटीग्रेशन में, दैट इज वाई स्क्वायर डीवाई। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली जब सॉल्व करते आएंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज एम बी स्क्वायर बाई 12। तो आई एक्सिस जो हमें मिलेगा यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जो सेंट्रोइडल एक्सिस होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम बी स्क्वायर बाई 12। इसी तरीके से आप वाई एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं सेम प्रोसीजर से, और उसकी वैल्यू हमें मिलेगी एम एल स्क्वायर बाई 12। कैसे कर सकते हैं, हमने क्या किया, जैसे डायग्राम पे आप देखिए ध्यान से, यहां से x डिस्टेंस पे जाके dx विड्थ का हमने एक एलिमेंट कट किया तो आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। फिर से उसका मास कैलकुलेट करिए, उसका मोमेंट निकालिए y एक्सिस के अबाउट, और फिर क्या करिए, सारी ऐसी स्टेप्स को क्या कंबाइन कर देंगे हम, कहां से माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक। तो हमें फाइनली इंटीग्रेट करने पे, जब इंटीग्रेट करेंगे उसको, तो हमें ये फॉर्मूला आई वाई वाई की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। अब हमें सपोज करो कि जो प्लेट है ये, इस प्लेट के जो हमारा ये सेंट्रॉइड है इससे पास करने वाली जो थर्ड एक्सेस है यानी कि जेड एक्सेस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो हमें वहां से जो आई जेड की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज एम बाई 12 और ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो कभी कभी जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमसे पूछता है वो जेड एक्सिस के अबाउट भी पूछ लेता है। तो पहले हम आई एक्सिस और आई वाई वाई की वैल्यू निकालेंगे और उसको
फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सेप्शन निकाल के उसको यूज कर सकते हैं। आई वाई वाई की वैल्यू जरूरी नहीं है कि आप इंडिकेट करके उसको सॉल्व करके दिखाएं, आप एक वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, दूसरों को इन द सिमिलर वे लिख के वैल्यू लिख के और फाइनली इसको कैलकुलेट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन को लेके, विच इज दी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा राइट सर्कुलर कोन जो हमारी हाइट है और इसका डायमीटर कह सकते हैं रेडियस जो है वो हमारा सेम है। दिस वन इज अ, ये जो हमारे पास डायग्राम दे रखा है, हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर का जो बेस रेडियस है वो आर है और उसकी हाइट जो है वो कैपिटल एच हमने अज्यूम करी। अब इसका सेंट्रोइड जो होगा हमें मालूम है इसकी जो एक्सिस है, दिस वन इज द एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर, और इस एक्सिस पे सेंटर जो बेस सर्कल का जो सेंटर होगा उससे एच बाई टू की हाइट पे जाके हमारा क्या होगा सेंट्रोइड लाई कर रहा होगा इस पर्टिकुलर सिलेंडर के लिए। तो वहां पे हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सिस ड्रॉ किया और इस एक्सिस को हमने अलोंग द सिलेंडर जो एक्सिस है उसको हमने क्या माना वाई वाई जेड जेड एक्सिस, और जो दूसरी एक्सिस होगी जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस के भी जेड एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होगी वो हमारी इस तरीके से हो जाएगी यानी कि वाई वाई एक्सिस। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट। तो हमने क्या किया इसके लिए, अगेन हम इस एक्स एक्स एक्सिस से जेड डिस्टेंस पे, इस एक्सिस को हमने जेड एक्सिस मान रखा है जिसके अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो हमने इस डिस्टेंस को क्या मेजर कर रहे हैं जेड के फॉर्म में। हमने बोला कि z डिस्टेंस पे जाके हमने वहां पे डी जेड विड्थ का एक एलिमेंट कट किया और इस एलिमेंट को जब आप कट करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे वो क्या मिलेगा हमें, एक तरीके से एक डिस्क के फॉर्म में मिलेगा। इस डिस्क को हमने यहाँ साइड में बना रखा है बाहर, इसको वहां से निकाल के आप देखेंगे तो इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं एक्स एक्सिस ये हमारी उससे जेड की डिस्टेंस पे डी जेड थिकनेस का ये एलिमेंट, ये क्या होगा एक डिस्क के फॉर्म में हो जाएगा। हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इस डिस्क के लिए इसका मास कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस सिलेंडर का टोटल मास क्या होगा, अगर हमने इसकी डेंसिटी जो है मटेरियल की रो मान रखी है तो दैट इज रो इनटू वी से, और इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सिलेंडर का, बेस सर्कल का एरिया ले लीजिए और एच से मल्टीप्लाई कर हाइट से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा इसका वॉल्यूम, तो सीधे सीधे यहाँ पे हमारे पास जो मास हो जाएगा दैट इज रो पाई आर स्क्वायर इनटू एच। अब हमने क्या किया, जो एलिमेंट कंसीडर किया है इसको साइड में बनाया और इसका मास अगर हम कैलकुलेट करें तो दिस इज अगेन रो टाइम्स ऑफ डीवी, और इस एलिमेंट के लिए मास निकालना है तो अगेन हमने क्या किया इसका सरफेस का एरिया निकाल लीजिए ऊपर का, वो क्या है एक सर्कल उसका रेडियस क्या है आर तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस क्या है डीजेड तो हमने डीजेड से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास क्या हो गया डीवी, मल्टीप्लाई करेंगे रो से तो हमें क्या मिल जाएगा मास। अब हमें क्या करना है कि इस पर्टिकुलर डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए यानी कि एक्सिस एक्सिस के अबाउट। हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि डिस्क का उसकी खुद की सेंट्रोइडल एक्सिस जो इसके प्लेन से पास कर रही होगी यहाँ से हॉरिजॉन्टल, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज एम आर स्क्वायर बाई फोर। आपने लास्ट जो हमने डेरिवेशन किया है वहां से दे सकते हैं। तो हम इस एक्सिस में जो इसके प्लेन से पास कर रही है यहाँ से और ये जो एक्स एक्स एक्सिस है यहाँ पे पैरेलल इसके, यहाँ पे क्या कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो हमने वही काम किया कि एक पर्टिकुलर डिस्क के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे लिख सकते हैं दैट आई ए बी इक्वल टू आई जी जी प्लस एम वाई सी स्क्वायर। आई ए बी यहाँ पे क्या है हमारे पास आई एक्स एक्स हम उसको बोल रहे हैं और आई जी की वैल्यू हमारे पास क्या है आर स्क्वायर डी एम अपॉन फोर या एम आर स्क्वायर बाई फोर। यहाँ पे मास कितना है डिस्क का डीएम तो हमने उसको एम की जगह डीएम लिखा प्लस टोटल मास ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्क इज डीएम इंटू डिस्टेंस वाई सी कितनी है जेड के इक्वल और उसका स्क्वायर कर दिया। अब अगर हम ऐसी ही सारी डिस्क को यहाँ बॉटम से लेके टॉप तक की जितनी डिस्क होंगी सिलेंडर में सभी को हमने क्या कर दिया कंबाइंड कर दिया यानी कि हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया तो क्या हो जाएगा हमें जो टोटल जो सिलेंडर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा। हम वैल्यू डीएम की यहाँ पुट करते हैं और पुट करने के बाद में सॉल्व करते हैं, लिमिट ध्यान रखिएगा माइनस एच बाई टू से प्लस एच बाई टू पुट करेंगे और यहाँ पे प्लस साइन है तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, तो हमने दोनों जगह सेपरेट किया जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है उनको बाहर ले लिया। ठीक है, फाइनली सॉल्व करते हुए आएंगे तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी और इसके बाद में आई एक्स एक्स की वैल्यू जब हम उसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे जो हमने लास्ट स्टेप लिखा था तो दिस इज रो पाई आर स्क्वायर एच बाई ट्वेल्व और ब्रैकेट में थ्री आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और आप जानते हैं कि ये वैल्यू रो पाई आर स्क्वायर एच क्या है हमारे पास दिस इज अ मास ऑफ द सिलेंडर तो हमने यहाँ पे उसका मास लिख दिया तो ये हमारे पास क्या हो गया आई एक्स एक्स की वैल्यू। अब इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें एक्स एक्सिस के अबाउट मिलेगा वही हमें वाई एक्सिस का अबाउट मिलेगा क्योंकि सिलेंडर जो है वो हॉरिजॉन्टल में अगर आप देखेंगे उसके सेंट्रोइड से पास करने वाली किसी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट उसमें हमेशा क्या होगा वो सिमेट्री में होगा
इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्स एक्सिस के अबाउट होगा वही हमें वाई वाई एक्सिस के अबाउट भी मिलेगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई जो होगा उसकी वैल्यू भी हमारी एक्जेक्टली सेम हो जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी एक और तरीके से भी पूछ सकता है आपसे, जैसे यहाँ तो आपसे फर्स्ट अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से कह सकता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हमारी होगी यहाँ पे एक्स एक्स एक्सिस, या कह सकता है सेंट्रोइडल एक्सिस वो जो सिलेंडर की एक्सिस के क्या है परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। वहीं पे ये भी कह सकता है कि सिलेंडर की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें करना कुछ अलग से नहीं है, सेम ध्यान रखिएगा, जैसे हमने ये एलिमेंट कट किया है तो हमें मालूम है कि एक डिस्क का उसकी खुद की सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो यहाँ पे पास कर रही होगी इसके सेंटर से वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू। तो हमें क्या करना है, ऐसी ही सारी डिस्क को यहाँ बॉटम से लेकर टॉप तक कंबाइन कर देना है, यानी कि हमें उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जब हम उसको फाइनली सॉल्व करेंगे वैल्यूज को रखें तो यहाँ पे हमें आई जेड जेड की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज एम आर स्क्वायर बाई टू। तो ध्यान रखिएगा दिस वन इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी जो हमारी एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है उसके अबाउट ये वैल्यू हमें मिलती है। तो इस तरीके से जो हमारे दो डेरिवेशन है, डेरिवेशन फोर और फिफ्थ जो की हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लेट और एक सिलेंडर के लिए था, उसको हमने सॉल्व किया। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये डेरिवेशन जो मैंने आपको कराए हैं जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट ये मेथड फॉलो करें, कई डिफरेंट मेथड्स भी आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स देखेंगे ऑथर्स की लिखी हुई, तो उनमें तरीका जो है वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने का अलग अलग हो सकता है। तो आपको अगर जो समझ में आता है आप उस चीज को अडॉप्ट करके अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के जो डेरिवेशन है उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।